हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, RTE 2009। तो चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जो है उसी की बात करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो देखिए, निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ये जो विधेयक है ये पारित राज्यसभा में सबसे पहले हुआ है 20 जुलाई 2009 को, और लोकसभा में आया 4 अगस्त 2009 को। ठीक है, तो राज्यसभा ने पारित कर दिया 20 जुलाई 2009 को, और लोकसभा में 4 अगस्त 2009 को इस विधेयक को पारित किया गया, विधेयक जिसे हम बिल भी कहते हैं। ठीक है, तो 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति ने इस पर जो है वो स्वीकृति दे दी, यानी राष्ट्रपति के जैसे ही हस्ताक्षर हो गए तो ये जो बिल है, ये जो विधेयक है, इसने कानून का रूप ले लिया, ये बन गया एक्ट, अधिनियम बन गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि RTE 2009 राज्यसभा में कब आया, 20 जुलाई 2009 को, लोकसभा ने पारित किया 4 अगस्त 2009 को, और अधिनियम बना 26 अगस्त 2009 को। और कोई भी अधिनियम कब बनता है, जब विधेयक जिस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति हो जाती है। 1 अप्रैल 2010 से जो है जम्मू कश्मीर को छोड़कर जो है संपूर्ण भारत में इसको लागू कर दिया गया। आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 370 समाप्त हो चुका है, और RTE जो है 5 अगस्त 2009 से जो है जम्मू कश्मीर में भी लागू कर दिया गया। ठीक है, 1 अप्रैल 2010 को जम्मू कश्मीर को छोड़ दिया गया था, पूरे भारत में लागू हो गया था, लेकिन जब 370 अनुच्छेद जो है वो समाप्त हो चुका है तो जम्मू कश्मीर जो है इसको भी शामिल कर लिया गया है, और यहाँ पर भी 5 अगस्त 2019 को लागू किया गया RTE 2009। भारत जो है विश्व का 135वां देश बना जिसने शिक्षा को जो है मौलिक अधिकार घोषित किया, और इम्पोर्टेंट लाइन है एग्जाम में आने वाली। राजस्थान में 29 मार्च 2011 को लागू किया गया। RTE 2009 यानी जो शिक्षा है वो किसका विषय है, समवर्ती सूची का विषय है, यानी एजुकेशन जो है इस पर अगर कानून बनाना है तो केंद्र भी बना सकता है इस पर कानून, और राज्य दोनों को ही इस पर जो है कानून बनाने का अधिकार है। ठीक है, RTE में जो है 7 अध्याय हैं, 38 धाराएं हैं RTE 2009 में, और एक अनुसूची है। पूछा जाता है कितनी जो है धाराएं हैं इसमें, तो 38 धाराएं हैं, कितनी अनुसूची है, एक अनुसूची है, अध्याय कितने हैं, तो 7 अध्याय है। तो प्रथम जो अध्याय है वो प्रस्तावना से संबंधित है, जिसमें धारा 1 है निशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार धार्मिक संस्थाओं पर लागू नहीं होगा। ठीक है, धारा 1 में है। धारा 2 शब्दावली से संबंधित है, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक की आयु स्तर के सभी बालकों के अभिभावकों पर ये लागू होगा, कि जो अभिभावक है 6 से 14 वर्ष के, वो बच्चों को जो है वो शिक्षा से वंचित नहीं करेंगे। समुचित सरकार केंद्र व राज्य सरकारों के सहयोग से। उसके बाद जो थर्ड है धारा, प्रारंभिक शिक्षा 1 से 8 तक की कक्षाएं होंगी। चौथा है अनुवीक्षक प्रक्रिया, जो कि प्रवेश से संबंधित है। फिफ्थ है निजी स्कूलों को अनुदान प्राप्त होगा। धारा 5 है। छठवीं जो धारा है, दुर्बल वर्ग से जिनकी आय निर्धारित आयु सीमा से कम हो उनको शिक्षा प्रदान की जाए। असुविधाग्रस्त जो है, यानी SC ST जो पिछड़े वर्ग के जो हैं बच्चे, इनको जो है स्कूली शिक्षा प्रदान की जाए। विद्यालय जो हैं, जैसे गवर्नमेंट है, प्राइवेट हैं, और अनुदानित और विशिष्ट विद्यालय हैं, सैनिक विद्यालय हैं, नवोदय विद्यालय हैं। ठीक है, तो इन सभी की बात जो है अध्याय 1 में की गई है। अध्याय 2 किससे संबंधित है, विस्तार जो है वो RTE का, यानी RTE का जो विस्तार है उससे संबंधित है अध्याय 2, इतना ही ध्यान में रखना है। अध्याय 3 जो है, अभी मैं आपको इम्पोर्टेंट जो धाराएं हैं वो बताऊंगी कौन कौन सी आपको लर्न करनी है। तो धारा 3 जो है, प्रत्येक बालक का नजदीकी विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा। धारा 4 जो है संबंधित है आयु के अनुसार जो है कक्षा कक्ष में जो है वो स्थान देना। ठीक है, यानी कि जो फर्स्ट क्लास का बच्चा जो है 5 से 7 वर्ष का जो बच्चा है वो फर्स्ट क्लास में जो है वो एडमिशन ले पाएगा, तो आयु के अनुसार जो है कक्षा कक्ष में जो है वो स्थान देना धारा 4 में है। धारा 5, TC प्राप्त करना बालक का जो है वो अधिकार होगा, यानी कि अगर उसे वो स्कूल पसंद नहीं है दूसरे स्कूल में एडमिशन ले सकता है, तो वो ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो है वो प्राप्त कर सकता है, और ये बालक का अधिकार होगा, और इससे जो है जो टीचर्स हैं, प्रिंसिपल जो है उनको नहीं रोकेगा। अध्याय 3 जो है, जिसमें 6 से 11 तक की धाराएं शामिल हैं, समुचित सरकार और स्थानीय अधिकार तथा माता पिता का कर्तव्य है,
इसके अंदर तो धारा 6 जो है 1 से 5वीं तक प्रत्येक गांव या ढाणी के विद्यालय की जो अधिकतम दूरी होगी, यानी जो प्राथमिक विद्यालय होंगे वो 1 किलोमीटर की दूरी तक ही होंगे, ठीक है, इतने ही दायरे के अंदर होंगे। वहीं तक 6 से 8 तक के जो विद्यालय हैं इनकी दूरी जो है वो 3 किलोमीटर तक होगी, ठीक है, इससे अधिक दूर नहीं होंगे, क्योंकि इससे दूर अगर होंगे तो बच्चे वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। राजस्थान की अगर बात करें, कन्फ्यूज़न यहाँ पर होता है बच्चों को कई बार। राजस्थान में जो है 6 से 8 तक के विद्यालय की दूरी जो है वह बताई गई है 2 किलोमीटर, ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये, आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर पर मैंने आपको बताया कि ये जो है समवर्ती सूची का विषय है, यानी केंद्र जो है वह भी कानून बना सकता है इस पर, और राज्य भी शिक्षा पर कानून बना सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर केंद्र ने जो बात कही है कि 6वीं से 8वीं तक विद्यालय की दूरी 3 किलोमीटर होगी, राजस्थान में जो है ये 2 किलोमीटर बताई गई है 6 से 8 तक के विद्यालय की दूरी, ठीक है, और बच्चों को यहाँ पर कंफ्यूजन रहता है तो ध्यान रखना है। धारा 7 में है वित्तीय अनुपात जो है केंद्र और राज्य का कितना होगा इसमें, तो केंद्र का होगा 65 और राज्य का होगा 35। वहीं पर जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, पूर्वोत्तर राज्य कौन से हैं, जो हम देखते हैं कि मेघालय है, मिजोरम है, नागालैंड है, ये पूर्वोत्तर राज्य है, ठीक है, असम है, तो यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों का रेशियो कितना रहेगा, 90-10 रहेगा, कितना रहेगा, 90-10 रहेगा, ठीक है। धारा 8 कहती है कि इसमें समुचित सरकारों द्वारा किए जाने वाले दायित्वों का जो है उल्लेख किया गया है। धारा 9 स्थानीय अधिकार के दायित्वों का जो है वो पालन करना। धारा 10 जो है वो माता पिता के दायित्व से संबंधित है कि वे अपने बच्चों को जो है विद्यालय में पहुंचाएं, उनको रोकेंगे नहीं, उनको जो है इधर उधर कार्यों में नहीं लगाएंगे। धारा 11 कहती है कि 3 से 6 वर्ष तक के बालकों के लिए आंगनवाड़ी में जो है शिक्षा की व्यवस्था की जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अध्याय 4 किससे संबंधित है, तो यह विद्यालय और शिक्षक की जो है भूमिका, यानी कि उस स्कूल का और वहाँ के जो टीचर हैं उनका क्या रोल रहेगा, अध्याय 4 से संबंधित है। धारा 12 जो है कहती है कि सभी निजी विद्यालयों में कक्षा प्रथम में 25% सीटें जो है वो गरीब बच्चों के लिए होंगी, ठीक है, तो 25% सीटें जो है वो गरीब बच्चों के लिए आरक्षित रहेंगी जितने भी प्राइवेट स्कूल होंगे। धारा 13 कहती है कि अगर एडमिशन लिया जाएगा इन बच्चों का तो कोई फीस नहीं देनी होगी, प्रवेश प्रक्रिया यानी किसी तरीके का एडमिशन प्रोसेस नहीं होगा, ना ही कोई इंटरव्यू लिया जाएगा, इनको प्रवेश दिया जाएगा। धारा 14 प्रवेश प्रक्रिया के दौरान जो है आवश्यक प्रमाण पत्र जो है उससे मुक्ति रहेगी, यानी ये नहीं कहा जाएगा यदि एडमिशन लिया जा रहा है तो यहाँ पर जो है आप जो है गांव के पंचायत से जो है ये आप प्रमाण पत्र लेकर आएँ या फिर तहसीलदार से प्रमाण पत्र लेकर आएँ, किसी तरीके का जो है वो प्रमाण पत्र जो है उससे मुक्ति दी गई है। धारा 15 कहती है कि 1 से 8वीं तक की कक्षाओं में प्रवेश पूरे वर्ष भर लिया जा सकेगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कई बच्चे जो है वो बीच में जो है उनकी पढ़ाई रुक गई थी और दोबारा से जो एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो एडमिशन ले सकेंगे, ऐसा नहीं होगा कि पूरे वर्ष भर जो है बीच में अगर आ गए हैं तो उनको यहां पर प्रवेश नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। धारा 16 जो है वो प्रारंभिक शिक्षा पूरा होने तक यानी 1 to 5 तक किसी बच्चे को जो है फेल नहीं किया जाएगा, ना ही उनको स्कूल से निकाला जाएगा। धारा 17 कहती है बालक को जो है शारीरिक और मानसिक रूप से दंडित तो नहीं किया जाएगा, यानी ना ही उनको फिजिकली और ना ही मेंटली टॉर्चर किया जाएगा। धारा 18 कहती है कि बिना मान्यता के जो विद्यालय चलाने पर जो पूर्ण प्रतिबंध होगा, ठीक है, और ये जुर्माने की तरह होगा, यानी जुर्माना जो है वो भरना पड़ेगा अगर कोई भी विद्यालय जो है प्राइवेट स्कूल जो है वो उनको मान्यता जो है वो नहीं मिली है और वो स्कूल चला रहे हैं। धारा 19 जो है वो विद्यालय के मानक संबंधी जो है वो प्रावधान है, ठीक है, नॉर्म्स जो हैं तो नॉर्म्स जो हैं उनको देख कर जो है वो विद्यालय जो है वो चलाए जाते हैं, तो ये संबंधी प्रावधान जो है धारा 19 में है। धारा 20 कहता है कि सरकार समुचित मानकों में परिवर्तन कर सकती है, यानी कोई भी नॉर्म्स में अगर परिवर्तन करना है तो सरकार कर सकती है। धारा 21 जो है वो केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा किसी भी मानक में जो है वो परिवर्तन कर सकती है। उसके बाद देखिए धारा 22 में है कि विद्यालय प्रबंध समिति, जिसे डिटेल में आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। तो यहाँ पर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में कौन कौन आते हैं, एक तो जो अभिभावक आते हैं, माता पिता आते हैं बच्चे के, ठीक है, और निर्वाचित प्रतिनिधि जिसमें 3/4 यानी 75% जो है वो माता पिता और 50% तो इसमें महिलाएं होंगी, ठीक है। विद्यालय विकास और जहाँ पर विद्यालय के विकास की योजना बनाई जाएगी,
ठीक है, डिटेल में आप लोग जब विद्यालय प्रबंधन समिति पढ़ेंगे तो वहाँ आपको बहुत अच्छे से इसको समझ में आएगा। फर्स्ट ग्रेड में भी जो है ये टॉपिक है आपके, ठीक है, और यहाँ पर भी है। उसके बाद देखो धारा 23 जो है कि इस धारा में अध्यापक के पद की जो है योग्यता यानी कि उसकी क्वालिफिकेशन जो है उसका उल्लेख किया गया है। धारा 24 जो है जहाँ पर अध्यापक का कर्तव्य होगा कि उसको डेली स्कूल आना है, नियमित रूप से जो है वो विद्यालय आएगा, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट देखो धारा 25 जिसमें छात्र और शिक्षक का अनुपात है, तो यहाँ पर जो प्राथमिक जो कक्षाएं हैं 1 से 5वीं तक की कक्षा, यहाँ पर 30 विद्यार्थियों पर जो है वो एक टीचर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर रेशियो क्या रखा गया है कि एक जो क्लास है जिसमें एक टीचर पढ़ाएगा तो वो 30 विद्यार्थियों को ही पढ़ाएगा, इससे ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होंगे। वहीं देखिए 150 विद्यार्थियों पर जो है वो 5 टीचर होंगे और एक जो है प्रधानाध्यापक होगा। 200 विद्यार्थियों जो है इन पर जो रेशियो होगा 40:1 का होगा। 1 से 5वीं तक जो है यहाँ पर अगर देखें कि कार्य दिवस जो है वो 200 रखा गया है, ठीक है, 1 से लेकर 5वीं तक। और 1 से 5वीं तक अगर घंटे की बात की जाए प्रति शैक्षणिक वर्ष, तो यानी 800 घंटे, 800 घंटे रखे गए हैं, और ये चीज़ जो है वो एग्ज़ाम में पूछी जाती है, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है वो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। कौन सा महत्वपूर्ण है? धारा 25 जिसमें इंपॉर्टेंट मैंने लिख भी दिया है। 6 से 8 तक की कक्षा में अगर बात करें उच्च प्राथमिक स्तर जिसको हम बोलते हैं, तो यहाँ पर जो छात्र शिक्षक अनुपात है वो 35:1 है, ठीक है। और 100 विद्यार्थी होंगे तो 5 टीचर पर एक जो है हेडमास्टर होगा, एक अध्यापक जो है यहाँ पर जो है वो मैथ साइंस पढ़ाएगा, एक अध्यापक जो है सोशल स्टडी पढ़ाएगा, और 2 अध्यापक जो है वो हिंदी और इंग्लिश पढ़ाएंगे, ठीक है। 6ठी से 8वीं तक जो है वो यहाँ पर कार्य दिवस, जहाँ पर 1 से 5वीं तक 200 कार्य दिवस हैं, वहीं पर 220 कार्य दिवस 6ठी से 8वीं तक है, और या घंटे 1,000, ठीक है, कितने हैं घंटे? 1,000 हैं प्रति शैक्षणिक वर्ष। धारा 26 जो है किसी भी विद्यालय में 10% से अधिक पद रिक्त नहीं रह सकते, ठीक है। तो 10% से अधिक पद जो है वो यहाँ पर खाली नहीं रहेंगे धारा 26 के अकॉर्डिंग। धारा 27 देखिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आ चुकी है और बच्चे इसको इग्नोर भी कर देते हैं। वो क्या है? तो बहुत अच्छे से जो है इन शब्दों को देखो, एक तो चुनाव हो गया, दूसरा जनगणना हो गई, और तीसरा आपदा कार्य, यानी कि जो टीचर हैं उनकी ड्यूटी जो है इनमें लग सकती है, चुनाव के टाइम पर लग सकती है, जनगणना यहाँ पर भी लग सकती है, और कोई भी आपदा कार्य, कोई भी संकट जो कार्य होते हैं, ठीक है, बाढ़ भूकंप वगैरह जब भी आते हैं तो ये आपदा कार्यों में आते हैं, तो यहाँ पर जो है टीचर को ड्यूटी लगाया जा सकता है। इसके अलावा जो अध्यापक की ड्यूटी किसी भी अन्य सरकारी कार्यों में नहीं लगाई जाएगी, जहाँ पर हम देखते हैं पल्स पोलियो का नाम जो है वो एग्जाम में हमें देखने को मिलता है, इसमें जो है टीचर्स की ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी, ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। 28 देखें धारा, कोई भी अध्यापक जो है वो निजी ट्यूशन नहीं कराएगा, ठीक है, जो कि ये ट्रेंड बन चुका है कि एक टीचर जो है वो क्या करता है कि स्कूल में पढ़ा रहा है और ट्यूशन जो है जो बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं उन्हीं बच्चों को जो है वो अच्छे मार्क्स जो है वो देते हैं, ठीक है, ये चीज़ देखने को मिली है। और बच्चों की एक तरीके की मजबूरी हो जाती है कि उन्हीं टीचर्स जो है उन्हीं से जो है वो ट्यूशन पढ़ना है, यदि वो नहीं पढ़ेंगे तो उनके मार्क्स काट लिए जाएंगे। तो कोई भी अध्यापक जो है वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं करेगा, ये चीज़ जो है वो है, ठीक है, धारा 28 में। अध्याय 5 देखिए पाठ्यक्रम से संबंधित है, धारा 29 सीखने के अधिकतम अवसर उपलब्ध कराना, यानी मैक्सिमम जो भी अवसर उपलब्ध हो सकते हैं सीखने के अधिगम करने के वो उपलब्ध कराए जाएं, सर्वांगीण विकास पर बल देना है। मातृभाषा जो है मदर टंग जो है उसमें शिक्षा दी जाएगी। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन गतिविधि आधारित प्रश्न, ठीक है, ये चीज़ जो है वो ध्यान में रखी जाएगी धारा 29 के अंतर्गत। यानी पाठ्यक्रम जो डिसाइड किया गया है वो कैसे होगा, यानी सीखने के मैक्सिमम जो है वो अवसर मिले, सर्वांगीण विकास हो सके, बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, मदर टंग में जो है वो उसको शिक्षा देंगे तो बहुत आसान हो जाएगा उसके लिए, और उसके बाद जो है सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी पूरे साल भर जो है उसका मूल्यांकन किया जाए, एक्टिविटी बेस्ड जो है उससे प्रश्न जो है वो पूछे जाएँ, ठीक है, जिससे कि बच्चे बर्डन महसूस नहीं करेंगे। धारा 30 कहती है कि प्रारंभिक परीक्षा पूरी होने तक यानी 1 से 5 तक बोर्ड परीक्षा जो है अनिवार्य नहीं होगी, ठीक है, तो प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक जो है वो बोर्ड एग्जाम नहीं लिए जाए।
जाएंगे। अध्याय 5 में है। अध्याय 6 कहता है कि बाल अधिकारों का संरक्षण, में बालक के जो भी राइट है उनको जो है उनको संरक्षण प्रदान किया जाएगा, ठीक है, उनके जो भी अधिकार हैं। तो धारा 31 में है कि बाल संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग और राज्य बाल संरक्षण आयोग इसका गठन किया गया है। धारा 32, बाल संरक्षण आयोग में जो है वो अपील का प्रावधान है, यहाँ पर अपील कर सकते हैं। धारा 33, राष्ट्रीय शिक्षा सलाहकार समिति का जो है वो गठन किया गया है, ठीक है। धारा 34 जो है वो राज्य शिक्षा सलाहकार समिति के सदस्यों का उल्लेख है, जो राष्ट्रीय शिक्षा सलाहकार समिति जो होगी उसका गठन धारा 33 में है, और जो राज्य शिक्षा सलाहकार समिति जो है इसके सदस्यों का उल्लेख तो ये है धारा 34 में। वर्तमान में कितने हैं? 15 हैं, ठीक है। कितनी सदस्य संख्या है राज्य शिक्षा सलाहकार समिति में? तो 15 है। अध्याय 7 जो है वो प्रकीर्णन विशेष, धारा 35 है, जिसमें समुचित सरकार के द्वारा निगम बनाने की प्रक्रिया इसमें उल्लेखित है। नेक्स्ट देखिए, धारा 36 कहती है कि धारा 13, 18, 19 में परिवर्तन करने संबंधी शक्तियां हैं, ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। धारा 37 देखिए, विद्यालय प्रबंधन समिति और बाल संरक्षण आयोग के खिलाफ कोई भी शिकायत जो है वो नहीं की जा सकेगी, ठीक है। तो कोई विद्यालय जो है जिसकी जो है शिकायत जो है वो बच्चे के द्वारा की गई है या फिर माता पिता के द्वारा की गई है, ठीक है, तो वह जो है उसको इनकी बात जो है वो माननी पड़ेगी, विद्यालय प्रबंधन समिति की भी और बाल संरक्षण आयोग की, इसके खिलाफ जो है वो नहीं जा सकते हैं। धारा 38, इस धारा के अंतर्गत राज्य सरकारों को नियम बनाने की जो है वो शक्ति प्रदान की गई है, ठीक है। तो इस तरीके से कितनी धाराएं हैं? 38 धाराएं हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जो इंपॉर्टेंट जो हैं, जो कि आपको याद करनी है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, आरटीई 2009 में। सबसे पहली बात यह है, आपको याद रखना है कि राज्यसभा में 20 जुलाई 2009 को जो है इसको विधेयक को लाया गया है, और उसके बाद जो है 20 जुलाई 2009 को लाया गया, लोकसभा में 4 अगस्त 2009 को, और ये जो है अधिनियम बना 26 अगस्त 2009, ठीक है। तो 20 जुलाई, 4 अगस्त, 26 अगस्त, ऐसे आप जो है सीक्वेंस में याद रखना है। और 1 अप्रैल 2010 को जो है पूरे भारत में लागू हो गया, जम्मू कश्मीर को छोड़ के। उसके बाद 5 अगस्त 2019 से जो है वो जम्मू कश्मीर में भी लागू कर दिया गया, ठीक है। भारत विश्व का जो है 135वां देश बना, इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, जिसने की मौलिक अधिकार घोषित कर दिया एजुकेशन को। राजस्थान में 29 मार्च 2011 को यह फिर लागू किया गया। किसका विषय है? शिक्षा, शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है। आरटीई 2009 जो है इसमें कितनी जो है वो धाराएं हैं, कितने अध्याय हैं? 7 अध्याय हैं, 38 धाराएं हैं, एक अनुसूची है, ठीक है। अब जो है यहाँ पर आपको सभी जो है धाराएं याद नहीं करनी है। सबसे पहले याद रखनी है कि यहाँ पर 6 से 14 वर्ष की आयु स्तर के सभी बालकों के अभिभावकों को लागू होगा, ये धारा 2 में है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि प्रारंभिक शिक्षा की जो बात की गई है, तो यहाँ पर क्लासेस देखें आप 1 से लेकर 8वीं तक, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर जो धारा याद की जाएगी आपके द्वारा वो ये याद की जाएगी कि आयु के अनुसार कक्षा कक्ष में स्थान देना होगा, धारा 4। धारा 5 कहती है कि टीसी प्राप्त करना जो है वो बच्चे का अधिकार होगा। उसके बाद याद करेंगे आप धारा 6। धारा 6 1 से 5वीं तक के प्रत्येक गांव या ढाणी के विद्यालय की दूरी जो है वो कितनी होगी? 1 किलोमीटर होगी। 6ठी से 8वीं तक जो विद्यालय की दूरी होगी 3 किलोमीटर, जिसको राजस्थान सरकार ने 2 किलोमीटर किया है, ठीक है। अनुदान की अगर बात करें धारा 7, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो केंद्र और राज्य का अनुदान होगा 65-35, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट जो धारा रहेगी वो है अध्याय 4 से संबंधित, जिसमें धारा 12 कहती है 25% सीट गरीब बच्चों के लिए होगी प्राइवेट स्कूल में, ठीक है। धारा 13 कहती है कि प्रवेश पर फीस नहीं ली जाएगी, और जो प्रवेश प्रक्रिया है, एडमिशन का जो प्रोसेस है वो नहीं होगा, ना ही कोई इंटरव्यू होगा। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट रहेगी धारा 18, कौन सी धारा में कहा गया है कि बिना मान्यता के जो है विद्यालय चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध होगा, तो वह है धारा 18, ठीक है। और फर्स्ट प्रारंभिक शिक्षा अगर, सॉरी यहाँ पर मैंने 1 to 5 कर दिया था, 1 to 8 करना है आपको यहाँ, ठीक है। 1 से 8वीं तक जो है बच्चे को ना तो फेल किया जाएगा, ना ही उसको निष्कासित किया जाएगा, ना ही विद्यालय से उसको निकाला जाएगा। विद्यालय प्रबंधन समिति के बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे ही,
तो यहाँ आप जो इसको स्किप कर सकते हो। उसके बाद इम्पॉर्टेंट है धारा 25। तो यहाँ 101 से लेकर 5वीं क्लास तक कितना है रेशियो, तो यहाँ पर 30:1, यानी कि 30 पर 1 शिक्षक है। केवल इतना ही याद आप कर लेंगे तो ये भी आपको याद हो जाएगा कि 150 विद्यार्थियों पर 5 शिक्षक होंगे, 200 पर जो है वो 40 बच्चों पर जो है एक टीचर होगा, ठीक है। 1 से 5वीं तक जो है वो कितने कार्य दिवस, 200। कितने जो है घंटे, 800। वहीं पर 6ठी से 8वीं तक जो है छात्र शिक्षक अनुपात 35:1, ठीक है। कितने कार्य दिवस होंगे ये याद रखना है आपको, 220। और कितने जो है प्रति शैक्षणिक वर्ष जो होंगे घंटे कितने होंगे, 1000 घंटे, ठीक है। नेक्स्ट देखें धारा 27, इम्पोर्टेंट है पल्स पोलियो में जो है इनको नहीं लगाया जाएगा टीचर्स को, ठीक है। किसमें लगाया जाएगा, ध्यान रखना है चुनाव, जनगणना, आपदा कार्य, इन तीन को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट जो याद करना है आपको धारा 34, राज्य शिक्षा सलाहकार समिति के सदस्यों का उल्लेख इसमें किया गया है और जो सदस्य संख्या है वो बताई गई है 15। तो ये मुख्य जो धाराएं हैं वो मैंने आपको अच्छे से बता दी हैं, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। और इनको तो आपको बहुत अच्छे से जो है वो लर्न कर लेना है, याद कर लेना है। तो इसी तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक को करते हुए। थैंक यू।